राके यही बैठे हैं कि जो हमको नौकरी दे दे जी। तेजस्वी सर बोले क्या जो आज मिलेंगे 5 बजे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और तेजस्वी यादव जनता दरबार लगाते हैं और उनसे फरियाद करने के लिए पूरे बिहार से नौजवान और जो मजबूर होते हैं वो पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव पिछले 3 दिनों से पटना में नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके घर के बाहर फरियाद करने वाले लोग बड़ी उम्मीद के साथ पहुँचे हुए हैं। हालांकि आज तेजस्वी यादव पटना पहुँचे हैं। पटना पहुँचते ही लोगों के बीच एक और उम्मीद की रोशनी दिखी है कि पिछले कई घंटों से जिस उम्मीद में वो लोग अपने घर बार को छोड़कर पटना की सड़कों पर रात गुजार रहे थे, चिलचिलाती धूप और बारिश के मौसम में खुद को इस खुले आसमान में वक्त गुजार रहे थे कि कब उनके नेता से उनकी मुलाकात हो और इनकी फरियादें नेता सुन लें। और अब तेजस्वी यादव जब पटना पहुँच गए हैं, उनसे मिलने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, उन तमाम उम्मीदों के बीच जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कब से यहाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं। बैठे रहिए। जय हिंद सर। मेरा घर रामपुर हुआ, पोस्ट राजपुर, थाना पिपरा, जिला सुपौल, रामपुर के निवासी हूँ। सर से उम्मीद लेके आए हैं कि जो हम पैर से विकलांग हैं, अभी तक हमको क्या चाहिए, पेंशन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। हम सर से उम्मीद रह के यही बैठे हैं कि जो हमको नौकरी दे दे। पीजी मेरा फाइनल है, एक गरीबी के कारण से हम आगे बढ़ने में असक्षम है, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं एक गरीबी के कारण। मेरे पिताजी मजदूर किसान है, इसीलिए सर से निवेदन करते, मुख्यमंत्री सर से मिलने आए थे, बोले कि जो नहीं ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलने के लिए दिया जाएगा। हमको जानकारी नहीं रहने के कारण वहाँ पे गेट पे मिले, बोले सर यहाँ आज नहीं मिलेंगे, दिल्ली गए हैं, फिर भी वहाँ से किसी तरह लाचार हो करके यहाँ पे आए। तो बोले जी तेजस्वी सर बोले क्या जो आज मिलेंगे 5 बजे। अच्छा, तो मिलिएगा जी, उसी से मिलेंगे। कहाँ के हैं रहने वाली? रामपुर के। जिला कौन सा? सुपौल जी। तो सर से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमको जल्दी से जल्दी कोई भी नौकरी दे दे और स्कूटरी जाने आने के लिए दे दे। इसके अलावा और भी है जो ओम प्रकाश गुप्ता, ललन ठाकुर मिल के हमको मम्मी जमीन दिए हैं 1 कट्ठा, उसके घर के सामने के कारण जो हम लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, उसका कहना है कि ज़मीन छोड़ देने के लिए। तो हम लोग सोचते हैं जो अपना ज़मीन हम क्यों दे। हम लोगों को बुरी तरह से गंदा शब्द समाज में फैलाए हैं और जो है हम लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, उस कारण से उसको कैसे ज़मीन दे दें। इसीलिए हम जो यहाँ मुख्यमंत्री के पास आए हैं, तेजस्वी यादव के पास आए हैं, और जो है वो झूठे का साजिश रस करके हम लोगों पर केस मुकदमा करते रहते हैं।